गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लुक एट दिस बुक नैतिक शिक्षा। आज हम पाठ 18 का भाग एक पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने पृष्ठ 55 और 56 खोलना है। बच्चों ये देखिए 55 पृष्ठ पर ये पाठ 18 है। महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के नाम से हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करने वाली भारत की वीरांगनाओं में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम विशेष महत्व रखता है। उनके बचपन का नाम मन्नूबाई था। मन्नू के पिता मोरोपंत और माता भागीरथी धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, मतलब नेचर, प्रवृत्ति मीन्स नेचर। चंचल और नटखट होने से मन्नू को छबीली कहा जाने लगा था। उनका बचपन पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नानाजी और राव साहब के साथ बीता। मन्नू उनके साथ घुड़सवारी करती, शिकार खेलने जाती और नकली युद्ध किया करती थी। इस साहसी बाला का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद इसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। कुछ वर्ष पश्चात लक्ष्मीबाई ने पुत्र को जन्म दिया, पर वह बालक 3 मास जीवित रहकर चल बसा मीन्स मतलब बच्चों उसकी डेथ हो गई। गंगाधर राव पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और अंत में यही दुख उनकी मृत्यु का कारण बना। मरने से पहले उन्होंने दामोदर राव नामक बालक को गोद ले लिया था। इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु होते ही अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया और उसकी रक्षा के लिए सेना भी रख दी। महारानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा कर दी गई। इस अन्याय के विरोध में महारानी ने बहुत अपीलें की पर सुनवाई ना हुई। इन दिनों अंग्रेजों ने अपनी नीति से कई राज्य हड़प लिए। सतारा, नागपुर, मैसूर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राजाओं पर कई दोष मढ़कर यानी दोष लगाकर उन्हें राजगद्दी से उतार दिया। पेशवा द्वितीय की मृत्यु हो जाने पर उनके दत्तक पुत्रों नाना साहब और राव साहब को 1 पैसा भी पेंशन देना स्वीकार नहीं किया। इस पर जो राजा अंग्रेजों के अन्याय के शिकार हुए थे वे एक एक करके संगठित होने लगे। संगठित का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा होने लगे, और दत्तक होता है कि जो सगा ना हो के, मतलब उनकी जैसे 2 शादियां होती हैं, उनसे जो बच्चा होता है उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है या गोद लिया हुआ। भारतीय सैनिकों में भी असंतोष था। कारण यह था कि सैनिकों को जो कारतूस मिलते थे उन पर चमड़े का गोमांस का ढक्कन लगा होता था जिसे उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे को इसका खुलकर विरोध करने पर मृत्यु दंड दिया गया। इस पर सेना में विद्रोह फैल गया। भारतीय सैनिक संगठन की माला में पिरोए जाने लगे। कमल का फूल और रोटी इनका संकेत चिन्ह था। सैनिकों ने प्रतिज्ञा की अब आज्ञा होगी हम अंग्रेजों का सर्वनाश कर देंगे और भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। बच्चों भाग 1 में इतना ही, आगे हम भाग 2 में पढ़ेंगे।